नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हम कुरथौल पंचायत के कुरथौल ग्राम में मौजूद हैं। यहाँ एक ही दिन में दो घटनाएं घट जाती है, एक खुदकुशी का मामला है और एक मर्डर का मामला है। हालांकि यहाँ पे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जी भी आए हुए हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, 72 घंटा का आश्वासन मिला, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, अभी तक किसी पे किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सर क्या कहेंगे? ये दोनों घटना दुखद है और संयोग से एक ही दिन एक ही गांव के लोगों के साथ घटना घटी है। एक तो आप हत्या कर लिया, अपने आप को मिटा दिया, और दूसरे व्यक्ति की हत्या हो गई। लोगों में बड़े आक्रोश था कि जब कुंदन सिंह जो सुसाइड कर लिए, वो गए थे कोई कंप्लेन लेकर के थाना में, और थाना के साथ जो व्यवहार दुर्व्यवहार हुआ उसे आहत थे। एक तो कार्रवाई नहीं हो रही थी जो कंप्लेन के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए थी, और दूसरा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और वो अपने आप को मिटा दिए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। तो मैं गया था बाहर, आज ही परसों लौटा हूँ, आज आया था मिलने के लिए। मैंने पुलिस के जो ASP साहब हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में है और वरीय अधिकारियों के संज्ञान में घटना का हमने दे दिया है, तो आज एक्शन कुछ हो जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझको कहा। मुझे ज़रूर लगता है कि ऐसे जो पुलिस के लोग हैं जिनका काम पब्लिक की सेवा करना है, पब्लिक के साथ बेइज्जती और पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अगर अपने व्यवहार ठीक रखती तो शायद उसकी जान नहीं जाती, तो एक जान तो गया ही, उसके साथ जुड़ा हुआ पूरा परिवार समाप्त हो गया, उसके छोटे बच्चे भी हैं, परिवार के अन्य लोग हैं, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई हो, ऐसा मेरी मांग भी है। सर, बिहार में NDA की सरकार है, सुशासन की सरकार है, और जो दरोगा साहब बैठे हुए हैं और आम लोगों को ऐसे टरका देते हैं जैसे लगता है कि कोई गाय बकरी आ गया है, थाना में घुस गया, उसको भगा देते हैं, तो ऐसे लोगों पे कब कार्रवाई हो? NDA के शासन सुशासन आपने खुद से कहा है और कर रही है, जब कभी भी इस तरह की घटना या इस तरह का जो शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शासन के माध्यम से होता है। मुझे भरोसा है कि इस अधिकारी के खिलाफ भी समुचित आदेश दे करके आवश्यक कार्रवाई करके भविष्य में इस तरह की घटना में कोई थानेदार कोई पुलिस न करे, ऐसा सबक सिखाने का काम शासन व्यवस्था करेगी। कुरथौल ग्रामीण की ओर से सड़क जाम किया गया था और उसके बाद आश्वासन मिला था कि 72 घंटा के अंदर कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन आज 72 घंटा से ऊपर हो गया, सर कब तक कार्रवाई होगी? इसीलिए तो मैंने पूछा है ना अपने अधिकारियों से, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे पूछा कि आपका आश्वासन था, लोग जब सड़क पर आए थे तो आपने आश्वासन दिया था कि अगले 72 घंटे के अंदर हम कार्रवाई करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि शायद आज ही हम कुछ कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जी यहाँ पे आए हुए हैं कुरथौल ग्राम में और परिजनों से मिले हैं और दुख बांटे हैं, उनसे मिल करके उनको आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई होगी, और SP से भी बात किए हैं, चूँकि दरोगा पे भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो आगे क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहें डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।